बेतिया बिहार। जिस प्रकार सोमवार को दिन बिहार विधानसभा में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को भरी विधानसभा में नसीहत दे डाली और उस पर भाजपा के कोई विधायक इस पर बोल नहीं पाए, इस बात को लेकर लोरिया विधायक विनय बिहारी का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और चूंकि इस बात पर पार्टी के सभी विधायक अपनी चुप्पी साधे रहे, जो लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। अपने एक शायरी अंदाज में उन्होंने कहा कि पंछी क्षेत्र पिंजड़ा हो गया और नीतीश के राज में विधायक हिजड़ा हो गया। हालांकि इस बात पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि होली मिलन समारोह में ये बात उन्होंने कही थी, क्योंकि क्षेत्र में आम जनता के बीच जाने पर जनता के तरह तरह सवाल करती है और उसे पूरा नहीं होने पर हम सभी विधायकों को फजीहत झेलना पड़ रहा है। पंछी क्षेत्र पिंजड़ा हो गया है और नीतीश बाबू के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है, तो हमारी पार्टी का एक भी विधायक जो है खड़ा होकर नहीं बोला कि इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। बोलना चाहिए था, सदन को अपमानित करने के लिए किसी को छूट नहीं। आपको लगता है सर कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह के भाषा का और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और जो एटीट्यूड दिखा, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है। आप क्या बोले, क्या आप अपने भाषण में जो बोले थे अपने? नहीं, हम तो होली मिलन समारोह में बोले थे पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है, मतलब अपने लिए बोले थे। हम दो विधायक थे, राम सिंह और मैं, हमारे क्षेत्र में एक एक गरीब के घर 50-50 हजार का बिल आया है। जिसका झोपड़ी 50 हजार का नहीं है उसके घर 50 हजार का बिल आया है और पब्लिक कह रही है कि आप लोग हिजड़ा हो गए, आप लोग कुछ बोलते नहीं, सदन में बैठे रहते हैं। हम लोग आजकल तो सब लोग के पास सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को क्या करेंगे सर कि कल जो घटना घटी आज इस पे आप लोग कुछ करेंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे, सदन देखते हैं, सदन चलाने वाले लोग हैं, क्या करते हैं। हम तो एक विधायक हैं, विधायक की हैसियत से बैठेंगे और हम ये बार बार कहेंगे कि सदन में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको इस तरह से कोई को भी अपमानित करने का हक नहीं है, अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। और हमारे पार्टी के जो लोग थे उन लोगों में से भी किसी ने ये इस बात का विरोध नहीं किया, इसका भी मुझे बहुत तकलीफ है। R9 भारत के लिए जयकिशोर शर्मा की रिपोर्ट बेतिया से।